रजीम बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन, आज मैं आपको लाइव कवरेज दिखाने जा रहा हूँ 18 जून बामताबत चार हाट। ये 18-19-20 जून को ये सिलसिला आलिया निशाइया के अजीम रूहानी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ अब्दुलरहीम अलमरूफ हज़रत मियाँ निशा साहब, और 19 जून को जो है वो हज़रत शाह मोहम्मद मुराद निशाही रहमतुल्लाह ताला के पीर मुर्शद हज़रत पीर मोहम्मद सियार कम्बल मोश निशाही नुशहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक का दिन होता है। ये उर्स खुद हज़रत शाह मोहम्मद मुराद निशाही रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी ज़िंदगी में यहाँ मनाया करते थे। और नीचे ये तहरीर नसब है कि ये दरअसल ये उर्स पीर मोहम्मद सियार का है, ये रवायत बुज़ुर्गों से कायम चली आती है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ ये दर्ज है कि महफ़ल का आगाज़ जो है वह तलावत कलाम पाक से होता है, बाद में महफ़िल मिलाद होती है, फिर कवाल हज़रात सारा दिन वक्फे वक्फे से नमाजों के औक़ात के अलावा अरफाना और सूफियाना नगमात पेश करते हैं। नमाज इशा के बाद पेशकार कवालों की मैयत में रात 10-11 बजे तक से रखानी और गुलपोशी के साथ दुआ होती है, और सुबह तक ज़िक्र फ़िक्र नमाज तहज्जुद और आराम का वक्फा हो जाता है। और इस सारी तकरीब के जो रूह रवां ज़ेब मसरत सजादा नशीन सिलसिला आलिया निशाइया साहबज़ादा लामा मियाँ नूर मोहम्मद नसरुद्दीन निशाई साहब, वो उनकी ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, और इसकी मेज़बानी के फ़रायद औलाद मियाँ हज़रत मियाँ निशा साहब जो है वो सार अंजाम देती है। और ये नाज़रीन 20 जून बा मुताबक छः हाट जो है ये सालाना उर्स जो होता है हज़रत शाह मोहम्मद मुराद कादरी निशाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक का ख़ास दिन है। पहले दिन जो है वो हज़रत मियाँ अब्दुलरहीम साहब अलमारूफ हज़रत मियाँ निशा साहब का, दूसरे दिन शाह मोहम्मद मुराद निशाही जो हैं उनके पीर मुर्शद पीर मोहम्मद सियार कम्बल पोश निशाही, और 20 जून को हज़रत शाह मोहम्मद मुराद कादरी निशाही रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास दिन के साथ ये तकरीब जो है अख्ताम पज़ीर होती है। और इस महफल की तकरीब जो है तरतीब यूँ होती है कि 7 बजे कवालों की मैयत में सेहरा खानी, फिर महफिल समा 10 बजे कबल आज दोपहर तक, इसके बाद महफिल ज़िक्र नात और अख्तितामी दुआ होती है। तो आइए नाज़रीन मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये दरबार हज़रत मियाँ निशा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक की आप देख रहे हैं, और ये जो है ये मोहल्ला हज़रत मियाँ निशा साहब में वाक़ है, और यहाँ पर जो है ये सिलसिला, तो ये मज़ार मुबारक है जी। तो इस तरह ये मस्जिद है दरबार मियाँ हज़रत निशाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह निशाही कादरी आपके मज़ार मुबारक के साथ जो है ये मसनद लगाई जाती है, जहाँ आज बाद नमाज इशा महफ़िल समा का आगाज़ होगा और 3 रोज़ा तकरीब जारी रहेगी। और ये उस मुबारक के वाले से ये भी इश्तहार आप देख रहे हैं, ये भी जो है वेदा किए गए हैं, जो अकीदतमंद हैं उनको याद दहानी के लिए ये इश्तहार लगवाए जाते हैं। तो इस तरह ये जो है ना इस मस्जिद में ये अलग सा एक हिस्सा बना हुआ है मस्जिद के साथ, जहाँ पे ये शुरू से रवायत चली आती है, जहाँ पे ये महफ़िल समा होती है। और ये आप देख रहे हैं इधर सामने सजादा नशीन साहबज़ादा लामा मियाँ नूर मोहम्मद हसन शाही साहब व दीगर औलाद मियाँ हरमीशा साहब यहाँ वो बैठेंगे, और इधर साथ में महफ़िल समा का सिलसिला शुरू होता है। और ये मस्जिद के खाते के साथ ही है ये सिलसिला, ये इधर कवाल हजरात बैठ के महफ़िल समा करेंगे।